हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट फॉर कॉलिंग। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे ये शिफ्ट है 2nd मई 2023 का शिफ्ट वन और ये SSC MTS के लिए रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द यू नीड ट्विस्ट लाइक अ वर्ड प्रिनिंग इट्स प्लूमेज एंड बिकम्स मोशनलेस। ऑप्शन है प्रिनिंग इट्स प्लूमेज एंड बी गेम मोशनलेस, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, प्रिनिंग इट्स प्लूमेज वाइल बिकमिंग मोशनलेस। फोर्थ है टू प्रिन इट्स प्लूमेज बिकम्स मोशनलेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें क्या कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है या फिर नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जब हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट देखते हैं प्रिनिंग इट्स प्लूमेज, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ एस वाला इट्स नहीं आएगा, सिंपल ITS इट्स आएगा। एंड बिकम्स मोशनलेस, यदि पूरा लाइन रीड किया जाए तो ये एक पास्ट टेंस है, दे यूनिट ट्विच्ड के पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे बिकम्स की जगह क्या आएगा, बी केम आएगा, ताकि पूरा ही सेंटेंस पास्ट में हो। तो ऑप्शन फर्स्ट हम जब रीड करते हैं प्रिनिंग इट्स प्लूमेज एंड बी केम मोशनलेस, तो ये सेम एग्जैक्ट वैसा ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन वन का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन वन। चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। यहाँ पे जितने भी लाइंस सेंटेंस दिए गए हैं ऑप्शन उसमें क्या कोई एरर है स्पेलिंग में। प्रोटेस्ट इज ऑलवेज ऑल्सो अ सेफ्टी वॉल्व, यहाँ पे सेफ्टी का स्पेलिंग जब चेक करते हैं तो डबल एफ है जो कि रॉन्ग है। सेकंड में वॉल्व का स्पेलिंग में डबल वी है जो कि गलत है। और थर्ड में प्रोटेस्ट गलत है क्योंकि TEST होता है, TAST नहीं होता है। और फोर्थ में कोई भी एरर नहीं है, यानी कि सारे ही स्पेलिंग सही है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर चेक करना है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर। प्रोटेस्ट इज ऑलवेज अ सेफ्टी वॉल्व और यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट मूवी सो सैड द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बाउलिंग। तो यहाँ पे मेक्स मी बाउलिंग नहीं होगा, क्या होगा, मेक्स मी बाउल। ऑप्शन में क्या है, मेक्स मी बाउल्ड, नो इम्प्रूवमेंट, मेक्स मी बाउल, मेड मी बाउल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स मी बाउल का मतलब होता है टू क्राई लाउडली। तो दैट मूवी सो सैड, जो मूवी थी वो बहुत जो मूवी है वो कैसी है, सैड वाली है। एंड जो एंडिंग होता है वो हमेशा रुला देने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, मेक्स मी बाउल। दैट मूवी सो सैड द एंडिंग ऑलवेज मेक्स मी बाउल। चलते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम होता है यानी कि जिसका सेम मीनिंग हो, टू सब्स्टिट्यूट एंड सेंटेंस क्या है, इन द 20th सेंचुरी मेनी रेडिकल इंटेलेक्चुअल एम्ब्रेस द मास मीडिया। यहाँ पे ब्रैकेट में रेडिकल है और रेडिकल का ही साइनोनिम देना है। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होता है उग्र टाइप का, यानी कि पॉलिटिकल व्यूज को लेके जो काफ़ी एक्सेसिव होते हैं उसे कहते हैं रेडिकल। ऑप्शन क्या है, सेबेटिकल, एगोस्टिकल, एसेप्टिकल और फैनाटिकल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फैनाटिकल, क्योंकि फैनाटिकल का मतलब भी क्या होता है, कट्टर, जो कि रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज को लेके काफ़ी एक्सेसिव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, इन द 20th सेंचुरी मेनी रेडिकल या फिर फैनेटिकल इंटेलेक्चुअल्स इम्ब्रेस द मास मीडिया। तो क्वेश्चन फोर, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक यहाँ पे है उसके लिए कौन सा एक एप्रोप्रिएट वर्ड है वो बताना है। पुलिस यूज ब्लैंक एविडेंस टू कॉन्विक्ट अ विक्टिम हु वॉज इनोसेंट। एक विक्टिम है जो कि यहाँ पे इनोसेंट है, उसको कॉन्विक्ट करने के लिए पुलिस ने एविडेंस यूज़ किया। कौन से एविडेंस यूज किए होंगे यदि इनोसेंट को यहाँ पे कॉन्विक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है स्टंटेड, फैब्रिकेटेड, हेटफुल और ऑथेंटिक। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे फैब्रिकेटेड हो जाएगा, यानी कि एक बना बनाया खुद से, तो उसको मतलब जो भी ओरिजिनल है उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको फैब्रिकेट करके, तो पुलिस यूज फैब्रिकेटेड एविडेंस। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू। सिक्स है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ पे सेंटेंस है उसमें कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है, क्या एरर है ये नहीं बताना, कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है। तो रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे जब ये लाइन रीड करते हैं रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प टू मिटिगेट होगा, ना कि एट मिटिगेट होगा। तो एट
के जगह पे क्या आएगा, टू आएगा, जो कि एरर है। तो जहाँ पे जिस भी पार्ट में ऐड होगा वो एरर वाला पार्ट है। तो चेक करते हैं ऑप्शन हेल्प ऐड मिटिगेट दी, ऑप्शन फर्स्ट में ही एरर है क्योंकि क्या होगा हेल्प टू मिटिगेट दी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेवन क्वेश्चन, क्या सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसमें कौन सा एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा वो बताना। वेट इज वाइडली ब्लैंक को बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। वेट को क्या किया जाएगा, उगाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जो हमें आउटपुट मिला वो ज़्यादा नहीं है। तो वेट इज वाइडली ग्रोन, ग्रोन का स्पेलिंग क्या होगा उगाने का, मतलब GROWN। तो ऑप्शन वन है ग्रॉस नहीं होगा, टू ग्रिल्ड नहीं होगा, थ्री इज द करेक्ट आंसर, और क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। एट है चूज वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, वहाँ पे उसका क्या मतलब होता है वो बताना है। तो यंग ऑफ अ फ्रॉग, एक फ्रॉग जब यंग होता है तो उसे कहते हैं टेडपोल। ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या हो जाएगा टेडपोल। चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ है इट इज, यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत हो गया, ISO को, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का इफेक्टिव मीन्स है यहाँ पे, द मोस्ट इफेक्टिव क्या है सुपरलेटिव डिग्री है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो फर्स्ट है क्या, ए मोस्ट इफेक्टिव नहीं, ए मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट इफेक्टिवली, नो इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है नाइन्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, सुपरलेटिव डिग्री है, द भी है और मोस्ट है तो सही है। चलते हैं टेंथ पे। एडिंग एलोवेरा जेल, यानी कि एलोवेरा जेल को ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग ऑन योर स्किन, स्किन को ड्राई नहीं होने देने के लिए हैंड सैनिटाइजर में एलोवेरा जेल को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एरर नहीं है, और सेकंड ऑप्शन कह रहा है ड्राइंग ऑन योर स्किन में एरर है, थर्ड क्या कह रहा है विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ, फोर्थ कह रहा है एडिंग एलोवेरा जेल। तो एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम ड्राइंग आउट, फ्रॉम ड्राइंग आउट योर स्किन एक फ्रेज है, ऑफ ड्राइंग आउट नहीं होता है, तो फ्रॉम ड्राइंग आउट योर स्किन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ जहाँ पे है वहाँ पे। तो ऑप्शन थ्री चेक कर रहे हैं विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ, जो कि ऑफ नहीं होगा, तो ऑप्शन थ्री में एरर है, क्वेश्चन टेन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, और क्या एरर है ऑफ की जगह आएगा फ्रॉम। इलेवेंथ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, साइनोनिम होता है जिसका सेम अर्थ हो और एंटोनिम जिसका अपोजिट अर्थ हो। तो यहाँ पे बताना है अपोजिट इसका मतलब क्या होगा उल्टा। विस्कस, विस्कस होता है कोई भी चीज चिपचिपा होता है उसे कहते हैं विस्कस। तो यदि कोई चीज़ चिपचिपा है तो कुछ ऐसा जो कि पानी की तरह हो तो उसे क्या, या उसका विस्कस का उल्टा हो जाएगा। तो एंटोनिम बताना है विस्कस का आंसर क्या हो जाएगा वाटरी। ऑप्शन थ्री में क्या है वाटरी, जो कि करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, जो यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन किया गया उसके लिए साइनोनिम क्या होगा, यानी कि सेम अर्थ वाला क्या होगा। मेक श्योर डैट यू शू यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, मेक श्योर करना है कि आप खुद को हमेशा चैलेंज करें। कैरी अप्रूव क्वेश्चन प्लेस, तो चैलेंज करना यानी कि खुद को क्वेश्चन करना, तो यहाँ पे साइनोनिम क्या हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 12 क्वेश्चन का थ्री आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में है कैरी नहीं होगा, अप्रूव भी नहीं होगा, क्वेश्चन थर्ड में है और फोर्थ में है प्लेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। ये आज के 12 क्वेश्चन से, और बाकी रह गए 13 क्वेश्चन और हैं क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 13 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट टू में करेंगे। एंड जो लोग भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियो, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जिन्हें ज्वाइन होना हो सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो जैसे ही आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं सेकंड व मेरी वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।